हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका एक यूट्यूब चैनल है, यानी कि आप न्यू क्रिएटर है और आपकी मोनिटाइजेशन इनेबल हुई है, और मोनिटाइजेशन इनेबल होने के बाद आपकी अर्निंग कट हो रही है। आप जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा क्या टॉपिक है। आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे कि हमारी अर्निंग कट हो रही है, जो चीज़ें हमें हमारे YouTube वीडियो में नहीं करनी है। मैं आपको बता दूँ हमारी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा कट होने का रीज़न क्या है। अब मेरी अर्निंग बहुत सारी कट हो चुकी है इस लास्ट 28 डेज के अंदर। मैं आपको बता दूँ मेरी लगभग मैं आपको बता भी नहीं सकता इतनी सारी अर्निंग कट हो चुकी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी अर्निंग अगर कट नहीं करना चाहते हो आप, अगर आपकी भी अर्निंग कट हो रही है तो आपको इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ सिंपल स्टेप बाय स्टेप। आपको क्या करना है आपके यूट्यूब चैनल पर, मैं आपको बता देता हूँ। आपके YouTube चैनल पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फेक वीडियोस अपलोड नहीं करने हैं, यानी कि हम कोई फेक वीडियोस अपलोड नहीं करते, बट हम जो टाइटल और हमारा जो थंबनेल होता है, जो क्लिकबेट एक्स्ट्रा क्लिकबेट आ जाते हैं हमारे थंबनेल की वजह से, यानी कि हम क्या करते हैं, हमारा वीडियो अपलोड करते हैं, हम अट्रैक्टिव थंबनेल मतलब अपलोड कर देते हैं हमारी वीडियो पर। इससे क्या होता है, अट्रैक्टिव थंबनेल अपलोड करने पर लोग हमारे यूट्यूब वीडियो को ज़्यादा देखते हैं। ज़्यादा देखने के बाद क्या होता है, वो बार बार रिकमेंडेड वीडियो में चला जाता है। रिकमेंडेड वीडियो में जाने के बाद वही एक ही इंसान उसे 2-3 बार देखने के बाद जो एड्स आती है उसकी जो हमें इनकम होती है, वो वाली इनकम हमारी कट हो जाती है इस यूट्यूब चैनल पर, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें हमारा कंटेंट और टाइटल ऐसा रखना है, यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका थंबनेल और टाइटल और आपको सभी चीज़ों को टैग्स वगैरह सबको ध्यान में रख के आपको करना है आपका वीडियो अपलोड, ताकि आपकी अर्निंग कट ना हो सके। मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली अर्निंग प्रॉब्लम इतने सारे लोगों की आ रही है कि सभी, मैं यहाँ तक जानता हूँ कि सभी लोगों की अर्निंग कट हो रही है यूट्यूब से। बट अर्निंग कुछ कुछ लोगों की इतनी कट हो रही है, लगभग $50, $100, $150, बहुत सारी डॉलर्स में उनकी इनकम कट हो जा रही है। उनके व्यू लगभग बहुत सारे आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ मेरे व्यूज़ आप देख ही सकते होंगे लास्ट 28 डेज में कितने व्यूज़ है, वॉच टाइम कितना है, आप देख ही सकते होंगे कि। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी भी अर्निंग बहुत बार कट हो चुकी है। एक बार नहीं होती है अर्निंग कट, पर बहुत बार हो जाती है हमारे से अर्निंग कट। तो इसका मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्लिक बेट्स जो आते हैं हमें, यानी कि हमारी जो एड्स आती है हमारी वीडियोस पर, उस पर अगर एक ही इंसान ने वो वीडियोस 3 बार देखी और 3 बार ऐड चली होंगी उस पर, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो 2 बार जो ऐड आई हुई है उसकी अर्निंग आपकी कट हो जाती है। जो आपके सब्सक्राइबर है, एक्टिव सब्सक्राइबर, वो अगर आपके बार बार वीडियोस देख रहे हैं, यानी कि एक बार, 2 बार, 5 बार, 6 बार, तो उनमें से वो जो 1 बार देखते हैं उसकी अर्निंग हमें मिल पाती है। तो आपका सवाल ये आता है कि हमारी YT स्टूडियो से अर्निंग क्यों कट हो रही है। मैं आपको बताता हूँ कि YT स्टूडियो से क्यों होती है। YT स्टूडियो की आपकी अर्निंग वो होती है जो कि आपको डेली आपकी अर्निंग चेंज होती रहती है, यानी कि आपको डेली कितनी अर्निंग हो पाई है। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे अर्निंग हमारी फास्ट दिखा देता है YouTube कि हमें डेली कितनी अर्निंग हो पा रही है। सबसे आसान तरीका इसका YT स्टूडियो ही है। तो YT स्टूडियो में हमें कभी कभी $60 दिखा देता है, मेरी अब $0.16 हो चुकी है। मेरी कल लगभग टोटल अर्निंग कट हो चुकी थी, मैं आपको बता रहा हूँ फुल अर्निंग कट हो चुकी थी। इसलिए मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूँ कि क्यों आपकी अर्निंग कट हो रही है। अभी मेरी अर्निंग कट नहीं हो रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ आपकी अर्निंग कट होने का रीज़न एक ही है कि आप एक्स्ट्रा क्लिक बेट्स आ रहे हैं आपके वीडियो पे, यानी कि एक्स्ट्रा एडवर्टाइज चल रही है, या फिर कुछ ना कुछ आपके वीडियोस में गलती है, इसीलिए आपकी वीडियोस की अर्निंग कट हो जा रही है। तो मैं आपको सिंपल स्टेप में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आप वीडियोस एक ही कंटेंट के अपलोड ना करें, यानी कि आप समझ गएंगे, अगर आपने यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स देना स्टार्ट किया तो आप क्या करते, यूट्यूब ट्रिक्स एंड टिप्स ही देना चालू कर देते वहाँ से आगे। थोड़ा अलग कंटेंट भी रखना है आपको आपके वीडियोज़ में, कि क्या होता है आपके यूट्यूब चैनल पर अलग कंटेंट रखने से क्या होता है, यूट्यूब को एक कन्फर्म करना मतलब आसान हो जाता है कि आप हर तरह की वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल पर। वो थोड़ी देर तक होता है, वो 28 डेज, यानी कि आप 1 मंथ के लिए ऐसे वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आपकी अर्निंग आपकी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और आपकी अर्निंग भी कट नहीं हो पा रही है। और इसमें यूट्यूब की थोड़ी गलती है, मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब ने ऐसा तो करने को नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, यूट्यूबर्स की जो, मैं आपको बता रहा हूँ, जो कॉन्फिडेंस है वो लो लेवल पर आ जाता है।
और लो लेवल पे आने की वजह से यूट्यूबर नाराज होने की वजह से वीडियोस नहीं अपलोड कर पाता, और वीडियोस अपलोड नहीं होंगे तो यूट्यूब कैसे चल पाएगा। इसीलिए मैं आप यूट्यूब को भी एक बता रहा हूँ कि आपको अगर यूट्यूब चलाना है ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको अर्निंग कट करना बंद करना होगा। यानी कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को यही प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए मैं इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा। बट सोल्यूशन क्या है इसका मैं आपको वो भी बता दूंगा सिंपल स्टेप बाय स्टेप। बट आपको सोल्यूशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे यानी कि आपने फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट दी होंगी तो जल्दी से जाइए और रेड कलर के बटन पर प्रेस करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी। आप यहाँ पे रेवेन्यू में जाके देख सकते हैं मेरे आप इस वीडियो ये जो वीडियोस अपलोड की हुई है मेरी इनमें कितनी अर्निंग कट हुई होंगी आपके हिसाब से। अब ये जो फर्स्ट आइडिया इंटरनेट न्यू एपीएन सेटिंग है ये वीडियोस को कितने व्यू है और कितनी अर्निंग हुई है मेरी, मेरी लगभग इसकी अर्निंग बहुत थी बट मैं आपको बता दूँ इसकी अर्निंग मेरी टोटली कट हो चुकी है। 9180 व्यूज़ आए हुए है इसकी अर्निंग मेरी कट हो गई, सभी वीडियोस की अर्निंग मेरी कट हो चुकी है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इसी वीडियो की देख लीजिए आप, इसकी तो बहुत सारी अर्निंग कट हुई मेरी इसकी इस वीडियो की भी आप देख ही सकते होंगे। एयरटेल एपीएन सेटिंग 2019 अब इस वीडियोस पर व्यू कितने हैं मेरे 13,855 व्यूज है बट आप देख सकते होंगे कि मेरी 0.08 अर्निंग है, इससे भी अर्निंग मेरी काट ली गई है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर अर्निंग आपकी इंक्रीज करनी होगी तो आपको सिंपल स्टेप में बताता हूँ इसका सोल्यूशन। आपको आपके वीडियोस के कंटेंट अच्छे रखने हैं, साथ ही साथ आपको वीडियोस के जो टाइटल होते हैं एक समान नहीं देने, आपको टैग्स एक समान नहीं देने, साथ ही साथ आपके थंबनेल भी आपको एक समान नहीं बनाने। थंबनेल में कुछ अट्रैक्टिव बनाइए बट इतना अट्रैक्टिव मत बनाइए किसी का कॉपीराइट मत हो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ आपको सिंपल स्टेप में आपकी अर्निंग कट नहीं करना चाहते आप तो आपको यही मैंने जो स्टेप बताए वही फॉलो करने होंगे। बट यही सिंपल स्टेप में यही स्टेप है तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, शेयर कर दो ताकि इसी तरीके के वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। और साथ ही साथ आप मेरे YouTube चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से रेड कलर के बटन पर प्रेस करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी तरीके के वीडियो आप हर रोज देख सको। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।